गुरुग्राम में पटौदी में एक दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। हादसा पटौदी में हुआ, जब जौहर की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 7 महिलाएं उसमें दब गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गया। महिलाओं को बचाने के लिए आसपास के लोग एकजुट हो गए। मिट्टी में दबी 4 महिलाओं को तो मौत के मुंह से बाहर निकाला गया है, मगर 3 महिलाओं के लिए वो जौहर ही कब्र में तब्दील हो गई। दरअसल पटौदी की गांव दरापुर में जौहर की खुदाई का कार्य पंचायत द्वारा कराया जा रहा है। मनरेगा के तहत यहां महिलाओं को काम पर लगाया गया है। मंगलवार सुबह करीब 10:15 बजे खुदाई के दौरान जब जेसीबी और ट्रैक्टर को इस गड्ढे में भेजा जा रहा था, उसी वक्त मिट्टी ढह गई और खोदे गए गड्ढे में मौजूद 7 महिलाएं इसमें दब गई। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन सभी दबी हुई महिलाओं को बाहर निकाला और अस्पताल में पहुंचाया। इसमें 3 महिलाओं प्रियंका, बल्लो और अन्य की मौत हो गई, जबकि वीरा देवी, बिमला देवी व अन्य घायल हो गए। बता सकता हूँ, वही मौजूद है वो। ये जो माटी मुटी खोद रही है, इस तरीका से ये जैसे भी नीचे गई है उस तरीका से दबी है सर। खोदते टाइम दबी है, रोटी खाते नहीं, सुबह सुबह कौन रोटी खाएगा, ये तो आप भी जानते हो। ये घटना है 10:32 की, ये 10:15 बजे की घटना है। वैसे तो 10:32 में तो हमने निकाल के वापसी भेज दिया था यहाँ पर। ये 7 लोग दबे हैं यहाँ पे द्रापुर के अंदर। क्या क्या नाम है? एक्सपायर हुआ है, एक का कोला, एक का प्रियंका, एक का बिल्लो। जो रेफर किया गया है वो सीरियस है। क्या नाम है? एक बीरा देवी, एक बिमला देवी और क्या नाम है, एक का नाम का नहीं पता मेरे को, नवीन की वाइफ। सातवा यही है, उसका नाम किरण देवी। और जो दबने से बची है, ठीक है, सुरक्षित है, वो सीरियस है, अभी यहाँ पे एडमिट है। कुल कितनी काम करेगी? कुल मैडम 8 महिला काम करती थी वहाँ पे। 8 काम करती? हाँ जी, 8 की 8 दबी है, 7 दबी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच के दौरान सामने आया है कि यहां 8 महिलाएं काम कर रही थी, जबकि एक पुरुष पूरण सिंह यहां इनकी सुपरवाइजर के लिए लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जाँच की जा रही है। हादसे के पीछे असल कारणों का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।